महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रेचे अकोल्यात अग्रवाल समाजाने राणी सतीधाम मंदिरात केले स्वागत. महाराजा छत्रपती श्री अग्रसेनजी महाराजचे वंशज समस्त अग्रवाल समाजाची कुलदेवी अध्य महालक्ष्मी यांच्या भव्य दिव्य विशाल मंदिर निर्माणकरिता कुलदेवी अध्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रेचे आयोजन हिसार येथील आग्रोहा येथून संपूर्ण भारतभर करण्यात आले आहे. सदर यात्रेकरिता एकूण 18 रथ विविध मार्गे पूर्ण भारतभर फिरत आहेत. त्यातीलच एक रथाचे आज अकोला शहरामध्ये सकाळी आगमन झाले होते. अकोला शहरातील राणी सतीधाम मंदिरात अग्रवाल समाजाच्या वतीने या मंदिरात महालक्ष्मी यात्रेचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आले. तर माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या उपस्थितीत मातेची आरती करण्यात आली. यावेळी बाजोरिया म्हणाले, समस्त 1 करोड अग्रवाल समाज या यात्रेच्या अनुषंगाने एकत्र व संघटित करण्यात येत आहेत असा उद्दिष्ट या यात्रेचा आहे. सर्व अग्रवाल परिवार एकत्र होत आहेत. यावेळी अग्रवाल संमेलनाचे राज्य उपाध्यक्ष उमेश खेतान यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. संमेलनाच्या महिला जिल्हाध्यक्षा अनिता खेतान यांनी महिलांचे स्वागत केले तर आभार जिल्हाध्यक्ष महेंद्र खेतान यांनी मानले. यावेळी सचिव विजय अग्रवाल, आशिष चौधरी, संतोष अग्रवाल, निहार अग्रवाल, गिरीधर अग्रवाल, गोपाल देहलीवाला, विनोद अग्रवाल, वसंत सकरिया, मनीष केडिया, हेमंत गुप्ता, ललित गुप्ता, सुनील अग्रवाल, जय अग्रवाल, गोपाल खेतान, गोविंद खेतान, संजय खेतान, अरुण पाटिया, दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर लोहिया, रतन सिकरिया सह समाजाचे मान्यवर वसंत बच्छुका, डॉक्टर जुगल चिराणिया, हरीश खेतान, सुभाष बंसल, गोपाल पासराई, गोपाल पसारी, पुरुषोत्तम दालमिलवाले, अनिल पाडिया, राजेश स्टुडंट, शैलेंद्र कागलीवाल, पवन बच्छुका, श्रीकृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र पोदार, रमेश खेतान, सुरेश खेतान, कमल अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, विनोद खेतान, सीए विजय गोयंका, हेमंत गुप्ता, दीपक रोहेटिया, नितीन गोयंका, दिलीप अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, विनोद टोरका, रोशन अग्रवाल, श्रीमती शोभा गोयंका, कृष्णा पाडिया, निर्मला बंसल, उमा गुप्ता, संतोष खेतान, ममता खेतान, शीला खेतान, उमा बाजोरिया, चंद्रकला अग्रवाल, संध्या पसारी, श्यामलता सोनालावाला, पुष्पा गोयंका, सुनीता अग्रवाल, किरण अग्रवाल, शैला केडिया, सीमा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, शीतल गोयंका, ज्योती बजाज, शीतल पोदार सह बहुसंख्य भक्त उपस्थित होते. अग्रवाल सम्मेलन द्वारा निकाली हुई ये कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी यात्रा का मैं अकोला के राजेश्वर नगरी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. सही मायनों में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित इस रथ यात्रा के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में नहीं अपितु पूर्ण भारतवर्ष में अग्रवाल समाज को संगठित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने किया है. सही मायनों में ये हमारी कुलदेवी है, ये पूरे भारतवर्ष के अग्रवाल समाज के ऊपर तो आशीर्वाद है ही, इसके साथ भारत की अखंडता में अन्य समाजों को भी उनका आशीर्वाद मिले ऐसी शुभकामना देता हूँ. अग्रवाल समाज तो संगठित होगा ही, अग्रवाल समाज के साथ में राजस्थानी समाज को भी संगठित होना और पूरे भारतवर्ष को संगठित होना आज के समय की ज़रूरत है. निश्चित रूप से आद्य लक्ष्मी महालक्ष्मी ये आशीर्वाद अग्रवाल समाज पूर्ता मर्यादित ना रखते हुए पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आशीर्वाद देंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में 21वीं शताब्दी के अंदर हम विश्व की महाशक्ति के रूप में महालक्ष्मी के आशीर्वाद से धार आएंगे, निखरेंगे निश्चित रूप से.